अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि दूरदर्शन पे एक बड़ा ही प्यारा गाना आता था, एक चिड़िया नेक चिड़िया, किस किस ने सुना है वो गाना? सबने सुना है, याद है। आपको पता है वो साधना जी ने गाया हुआ है? बहुत छोटी थी तब ये, अर्चना जी ने उस गाने का बड़ा मिसयूज किया। ये हलवाई की दुकान पे जाती थी, उनको सिखाती थी, कहती मैं तुम्हें गाना सुनाती हूँ, ये एक लड्डू कितने का दिया हो? कहता है 10 रुपए का। कहती ये एक लड्डू अनेक लड्डू, तो गूंथ के 20 लड्डू का एक लड्डू बना दिया। और वो 2.5 किलो लड्डू ले आती थी एक लड्डू के दाम। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है जब कोई गाना सीखने जाता है बच्चा, तो उसको पहले सरगम सिखाई जाती है ना, सारे गामा पादा नी। तो जब आप सीखने गई थी तो आपने कहा नहीं कि सरगम तो मेरे नाम में ही है, आगे से सिखाओ मुझे, इसके आगे क्या है? मेरा सरनेम घाणेकर है, साधना घाणेकर। अच्छा जी। और मैंने बचपन में तो मेरी मम्मी से सीखा, वो गाती थी, ट्यूशंस करती थी, म्यूजिक के वो सिखाती थी स्टूडेंट्स को, तो माहौल वही था गाने का, क्लासिकल और ये सब। उसके बाद संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी से सीखने का मौका मिला, और फिर फिल्म प्लेबैक सिंगिंग के लिए कल्याण जी भाई आनंद जी भाई ने मुझे बहुत गाइडेंस दिया, मदद की, बहुत शोज़ में गवाया, रिकॉर्डिंग्स में। तब जब शुरू हुआ तब उन्होंने कहा कि घाणेकर तो है सरनेम, लेकिन संगीत से जुड़ा हुआ मिलता जुलता कोई नाम अगर अच्छा साधना के साथ जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा। तो मेरे हाँ मेरे मम्मी डैडी ने भी कहा ठीक है, फिर साधना सरगम ऐसे हो। क्या बात है, वाह। मैंने सुना था कल्याण जी भाई के बारे में कि वो म्यूजिक बड़ा अच्छा देते हैं, फिर साधना जी ने बताया कि वो नाम भी देते हैं, फिर अर्चना जी ने मुझे बताया कि उनके घर जाओ तो वो दान भी देते हैं, नान भी देते हैं। दादा अभी ना मैं सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देख रहा था किसी शो पे, तो किशोरदा के बारे में बात चल रही थी, तो सुदेश भोसले साहब वो कहीं किशोरदा के साथ गए होंगे वेस्ट इंडीज में कोई शो करने, तो बोलते किशोरदा का गला पूरी तरह बैठा हुआ था गला, तो काफी दिन रात शोज और ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो बोलते उन्होंने शुरुआत ही ऐसे करी कि मेरे सपनों की रानी का, तो लोगों को लगा कि किशोरदा हमारे लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं, तो 2-3 गाने उन्होंने गाए, उसके बाद गला वापस रवानगी में आ गया और फिर उन्होंने पूरा शो किया। मैं आपको एक सही घटना बताता हूँ, दिस वॉज इन कोलकाता मेदनीपुर स्टेडियम में, 1975 की बात है। अच्छा जी। तो पिताजी का गला बैठ गया एकदम। अच्छा। एकदम बैठ गया, एकदम टोटली, माय गॉड, एंड 25,000 ऑडियंस सिटिंग। ये मैं मेरे यहाँ पे ये है, मेरे दोस्त है बजरंग बली। वाह, क्या बात है। मैं उनको मतलब छूके बोल रहा हूँ, ये मैं सही बात है। पिताजी ने मुझे बुलाया है एडिगेशो बंगला से, बोले एक काम करना पड़ेगा, मेरा वॉइस नहीं चल रहा है। तो अरुण पोरवाल काका, नरेंद्र काका, पूरा ग्रुप, पूरा अपना था दीवान गांगुली, सब अपने भूपेंद्र जी, अच्छा जी, सब भूपी, हाँ भूपी, सब साथ में। तो अचानक बाबा बोले एक काम करो, मैं मुंह हिलाऊंगा, अमित गाएगा पीछे से। ओह माय गॉड, एंड इट हैपेंड। हाँ, ये मैं बड़प्पन नहीं करना चाहिए मेरे, बट आई डिड इट। और यू नो व्हाट माय फादर सेड, अर्चना जी, ही वेंट, बोले अमित गाइते पाछी ना, बंगला में मैं गा नहीं पा रहा, मेरा गला बैठ गया है, लेकिन मेरा बच्चा गाएगा, मैं मुंह हिलाऊंगा, वो गाएगा पीछे, चलेगा ऑडियंस? हाँ चलेगा। कैसे है, मजे में? हाय, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। हाय, हम लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं। और ये नाला सोपर से आए मेरे फ्रेंड लोग हैं। इसका नाम अन्नू है और इसका नाम अन्नू है। दोनों का नाम अन्नू कैसे हो सकता है? दो क्या, इधर 3 अन्नू है, ये भी तो अन्नू है। पर इनका नाम अन्नू है, मुझे पता है। इन दोनों का नाम अन्नू किसने रखा? मेरे को क्या पता, अन्नू से जाके पूछो। कौन अनु? इनकी माँ। अभी वो फैन है ना इनके, तो सबका नाम अनु है। खैर, तुम लोग जाओ अभी इनके घर पे ना, इनके चाचा को लड़का हुआ है। अच्छा। हाँ, उसका आज नामकरण है। अच्छा। हाँ, तो किससे नाम रखना है, कौन से वर्ड से? ए से आया है। ए से आया है, क्या रखे? माय गॉड, एक काम करो, यूनिक नाम रखो, अनु रख दो। जाओ 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 जाओ, ठीक है। हाय हाय, कितना अच्छा लग रहा है। जब भी अनु जी आते हैं ना,
प्रेशर बहुत कम रहता है. क्यों? ऐसा लगता है अपने घर का आदमी आए ले. कितना जानती है तुम? जानती नहीं, घर पे आके मसाज करवाते ना मेरे से. अच्छा, आपके नाम सपना है? हाँ जी, हाँ जी. मैं तो मसाज सुरेश से करवाता हूँ. सुरेश से? हाँ. मैं पैंट शर्ट पहन लूँ तो सुरेश भी बन जाती है. ये पकड़े गए. सर, आप आते हैं ना हमारे उधर. हाँ. तो मेरे को जानने का था, आप जो इतनी बार मसाज कराने के लिए आते हैं, मतलब आप वाकई में मतलब गाना गा के थक जाते हैं या फिर आपको मेरी मसाज पसंद है? सच्ची बताओ. मेरे को सब मालूम है. अभी पिछले हफ्ते हम लोग मिले थे ना. कहाँ? उधर रायपुर एयरपोर्ट के ऊपर. वो बताऊँ क्या? क्या आपको पता है, मैम अभी रायपुर एयरपोर्ट पे ना एक आदमी उधर गाना गा रहा था. हाँ. तो अन्नू जी उस पर भड़क गए. कहते तुम मुंबई नहीं आ सकते. क्यों? वो उल्टा अन्नू जी पे भड़क गया. कहते आप भी मुंबई नहीं आ सकते. क्यों? क्योंकि वो पायलट था ना प्लेन का. क्या तू जब से आई अनु जी के पीछे पड़ी है? साधना जी आई, अमित जी आए. अरे नहीं नहीं, उनकी भी बात, मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ. आप तो ऊपर वाले में बहुत मानते हैं ना, तो एक चीज मानते रहेंगे, जो लिखा रहता है वही होता है ना? वही होता है. हाँ, देखो मेरा लिखा रहता है ना, हम लोग सब लिख के लाते. मैं 200 एपिसोड की आज पहली बार दिखा रही है. देखो सब लिख के लाते हम लोग. हम लिखा हुआ ही बोलते मैम. हमारे क्या वास्तु के हिसाब से हम परफॉर्म करते हैं आजकल. अच्छा. हाँ, अभी देखो आपका नाम इधर लास्ट में लिखा है. अच्छा? साधना जी. अभी वास्तु के हिसाब से अगर आप वहाँ बैठी रहती ना, पहले हम आपके बारे में बात करते. हाँ, ऐसा रहते. खैर सर, कैसे हैं अमित जी? मैं ठीक हूँ. मैं बहुत फैन हूँ आपकी. ये लीजिए. क्या है? ये गाते रहते ना हमेशा, बड़े अच्छे लगते हैं. हाँ. इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, आपको छोटे भी अच्छे लगेंगे. सर, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती. तो मत बता फिर. मैंने आपका गाना सुनने के लिए 8 लाख रुपए का रेडियो खरीदा है. 8 लाख का रेडियो कौन सा होता है? अरे कप्पू, तेरे को मालूम है वो रेडियो है सर, उसमें आप रेडियो में बैठ सकते हैं सर. हाँ, और गर्मी लगती है ना तो एसी भी ऑन कर सकते हैं, और पीछे सामान भी रख सकते हैं, और कहीं जाना हो ना चला के जा भी सकते. अबे उसको कार बोलते हैं. हाँ, मेरे को मालूम है, वास्तु के हिसाब से मेरे को कार सूट नहीं करती ना, तो मैंने कार का नाम रेडियो रखेला है. मैंने आप तीनों के भी रेडियो देखे बाहर, बहुत अच्छे है. आपने अर्चना जी का रेडियो देखा? नहीं नहीं, इनके पास वाकई में कार नहीं है, रेडियो उठा के आती है मॉडलैंड से, और गाना सुनते सुनते ना ऐसे घोड़े पे बैठ के आती है. घोड़ा का है ये तो? ऊंट है. ऊंट है ये. हाँ, तो वो वास्तु के हिसाब से घोड़े को ऊंट बोलती है ना. हो गया तेरा? चलो जाओ. नहीं हुआ नहीं. Oh, एक मिनट. साधना जी ये लीजिए. क्या दे रही है अभी? ये 2 रुपया. Oh, ये 1 रुपया. हाँ. ये 1, ये 2, पूरा 7 रुपया है. अच्छा. पर ये क्या है, छोटे पैसे दे रही उनको? अरे इतने सालों से वो बोल रही हैं, तुम देना साथ मेरा. ओ हम नवाज. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. तो नवाज भाई बोले थे जब वो मिलेंगी उनको साथ दे देना. खैर मैम, क्या बात है? आपका भी गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है. मैं भी अपना, मेरा नया गाना लॉन्च हो रहा है अभी. कौन सा? हाँ, पहला चखना. पहला चखना क्या होता है? उनका पहला नशा हो सकता है, मेरा पहला चखना नहीं हो सकता. ये क्या बात है? है ना मैम? आपको ऑल द बेस्ट, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू. ये मेरे किस्मत पलटने वाली है अभी. अरे थैंक, वास्तु के हिसाब से. अरे फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.